तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सो दोस्त, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि दहाजे का प्रोग्राम, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रोग्राम होता है नॉर्मली बाबा श्री चांदू के लिए डेडिकेटेड होता है। तो आज हम जा रहे हैं उसी टेम्पल में। मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था कि उस टेम्पल में जाना है, तो आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ श्री चांदू टेम्पल में, एंड उसके बाद जाएंगे हम बिलासपुर टेम्पल में। तो चलो फिर दिखाते हैं दोस्तों आपको दोनों टेम्पल, एंड मैं बता दूं कि आज क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा कूलिंग है एंड रेनिंग लगी हुई है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने भी अम्ब्रेला वगैरह लिया हुआ है, तो बारिश लगी हुई है दोस्तों बिल्कुल। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और दिखाते हैं आपको बाबा श्री चांदू टेम्पल एंड बिलासपुर का टेम्पल। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं स्मैला टेम्पल में, एंड अभी दिखाता हूं मैं आपको स्मैला टेम्पल अंदर से। तो दोस्तों ये है स्मैला टेम्पल अंदर से, कुछ इस तरह से इसके भी रिनोवेशन हो गया है बिकॉज इसको बिल्कुल न्यू बना दिया गया है। पहले की तरह इस साइड आप देख सकते हो कि जितना भी लोग नसराओं वगैरह लेके आते हैं उसको यहाँ पे लगाया रखा जाता है, एंड ऐसे कुछ इस तरह से लाइन में हमारी फैमिली भी आ रही साथ में, तो कुछ इस तरह से लाइन में लग कर अंदर माथा टेकने के लिए जाया जाता है। दोस्तों मैं आपको टेम्पल के अंदर ले कर नहीं जा सकता हूँ बिकॉज टेम्पल के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आप दर्शन करते कर सकते हो, आप देख सकते हो बिल्कुल अंदर, ये है मेन टेंपल श्री चांदू बाबा का मेन टेंपल है। दोस्तों आप अंदर देख सकते हो बिल्कुल, यहाँ पे जाके माथा टेका जाता है, एंड इसी के पीछे बाकी जो स्टैचू वगैरह है, जो मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई है उसके पीछे ही हैं। यहाँ पर ड्यू टू कोरोना कुछ भी अंदर कुछ प्रसाद वगैरह ले कर जाना उसको चढ़ाना अलाउ नहीं है, और अंदर फोटोग्राफी भी अलाउ नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने बाहर से मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों इसके। अगर मैं बात करूँ यहाँ आज क्लाइमेट की, तो आप देख सकते हो कि रेनिंग बिल्कुल लगी हुई है, यानी यहाँ पे जो क्राउड है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। आज लोग काफ़ी ज़्यादा आए हैं माथा टेकने के लिए, और जो भी कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं गाइडलाइंस है उसको लोग बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर मास्क यूज़ कर रहे हैं लोग। यहाँ पे देख सकते हो टेम्पल आप, तो स्मैला मंदिर में टेम्पल में हमने अभी माथा टेक लिया। अभी यहाँ से हम जाएंगे बिलासपुर के टेम्पल के लिए, तो चलो चलते हैं अभी बिलासपुर के टेम्पल में और दिखाता हूँ फिर मैं आपको बिलासपुर का टेम्पल।
तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं बिलासपुर टेंपल में। और आप देख सकते हो दोस्तों कि यहां से होता है जय बाबा नाथ सिंह टेंपल के लिए रास्ता शुरू। तो चलते हैं फिर इसके अंदर दिखाते हैं आपको टेंपल। और सेम दोस्तों अगर मैं बात करूं क्राउड की, तो यहां पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन्स यहाँ पर लगी हुई थी माथा टेकने वालों की। तो दोस्तों जो भी आप प्रसाद वगैरह लेके आते हो कुछ भी, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल सामने बाबा नारसिंह टेंपल, तो यहाँ पे उसको चढ़ाया जाता है, माथा टेका जाता है। ये देख सकते हो आप कि यहाँ से बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल दर्शन करा रहा हूँ आपको बाबा नारसिंह टेम्पल के दोस्तों। और दोस्तों बिलासपुर टेंपल के बिल्कुल नज़दीक है गोविंद सागर झील। आप देख सकते हो कि छोटे छोटे जो आपको फोर्ट दिखाई दे रहे हैं, किले दिखाई दे रहे हैं, ये राजा महाराजाओं के किले होते थे, जहाँ पे जो राजा होते थे वो रहा करते थे। ऐसे कई किले आपको बिल्कुल नीचे मिल जाएंगे दोस्तों। और आप देख सकते हैं इस टाइम पानी का लेवल जो है बहुत नीचे है, बट जैसे ही पानी भर जाता है दोस्तों ये बिल्कुल जो किले वगैरह होते हैं बिल्कुल ढक जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपको पानी ही पानी दिखाई देगा दोस्तों। और दोस्तों इस साइड सा बाबा नहार सिंह का टेम्पल, जहाँ पे आप प्रसाद वगैरह और जो मेन एंट्रेंस थी यहाँ से थी दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आज का जो मेरा ब्लॉग था आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।